तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ जो सवाल आज का है वो है इंटेक्स 13.3 अमाइंस चैप्टर के एनसीईआरटी बुक से। तो सवाल यहाँ पर क्या है कि कन्वर्जन, हाउ विल यू कन्वर्ट, कैसे कन्वर्ट करोगे आप। यहाँ तीन कन्वर्जन दिए गए हैं आपको, इन कंपाउंड से उसमें कन्वर्ट करना है, कन्वर्जन है, ठीक है। कन्वर्जन के लिए आप लोग बेसिक रिएक्शंस जरूर पढ़ के रखिएगा, तभी कन्वर्जन आपको समझ में आएगा। कन्वर्जन में सबसे पहले आप नेचर देखिए, यानी कि रिएक्शन का नेचर देखिए। आपको दोनों स्ट्रक्चर पर ध्यान देना है कि हमें दिया क्या है और हमें बनाना क्या है। जैसे कि फर्स्ट केस में क्या है, बेंजीन, बेंजीन से हमको बनाना है एनिलीन, ये हमारा बेंजीन है। अब बेंजीन से हमको बनाना है क्या, एनिलीन। एनिलीन का मतलब हो गया कि हमें कन्वर्ट करना है बेंजीन पर NH2 ग्रुप हमको लाना है, ये NH2 ग्रुप एनिलीन हो गया, ठीक है। हमको दोनों आंख एक इस पर लगाए रखना है कि कैसे ये ग्रुप आखिर जो है NH2 इस पर लाया जाए, ये सोचना है मन ही मन। तो आप अपने प्रिपरेशन के फर्स्ट टॉपिक में देखे होंगे, प्रिपरेशन ऑफ अमाइन में, कि एनिलीन जो है नाइट्रोबेंजीन से कन्वर्ट इजिली हो सकता है। यानी कि अगर हम नाइट्रोबेंजीन बना सकते हैं किसी तरह से, तो नाइट्रोबेंजीन से आपने एनिलीन बनाया हुआ है फर्स्ट टॉपिक में, देखिएगा प्रिपरेशन में कुछ नहीं, यहाँ पर हाइड्रोजन यानी कि इसका रिडक्शन कर दो H2PD के प्रेजेंस में, इथेनॉलिक सॉल्यूशन में इथेनॉल डाल करके, या फिर आप जो है SN+HCl भी यूज कर सकते हो, Fe+HCl भी यूज कर सकते हो, रिड्यूसिंग एजेंट यूज करके इजिली इसको रिडक्शन कर सकते हैं हम लोग अमाइन में, ठीक है। अब समस्या ये है कि चलो ये तो पढ़े हैं, लेकिन ये कैसे इससे कन्वर्ट करें, NO2 ग्रुप कैसे लाए। तो इसके लिए रिएक्शन याद कर लो, नाइट्रेशन रिएक्शन, जो आपने अल्कोहल फिनॉल में, ईथर में, हेलो अल्केन में, एल्डिहाइड कीटोन में आपने पढ़ा नाइट्रेशन रिएक्शन। तो नाइट्रेशन रिएक्शन में क्या होता है, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये होता है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, नाइट्रिक एसिड से हम लोग रिएक्शन कराते हैं, कंसेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड डाल करके कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में। तो जो इलेक्ट्रोफाइल NO2 होता है वो एक हाइड्रोजन को यहाँ से डिस्प्लेस करके, ये हाइड्रोजन H+ बन के यहाँ से निकल जाता है और NO2+ जो होता है वो यहाँ पर ऐड होता है। यानी कि अगर यहाँ पर हम लोग कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड डाल दें कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में, तो यहाँ पर ये टूटेगा OH-NO2+ और ये इलेक्ट्रोफाइल जो है बेंजीन के एक हाइड्रोजन को निकाल देगा। तो ये है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो कि बड़ी इजी आपने हर जगह पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन से ये NO2 आएगा और NO2 से हम लोग NH2 कन्वर्ट इजिली कर लेंगे। तो जरूरी नहीं है कि जो आपको दिया हुआ है एक ही स्टेप में कंप्लीट हो, रिएक्शन जो है कई सारे स्टेप में भी कंप्लीट हो सकते हैं। जैसे कि जरूरी नहीं कि हम इतना भी करेंगे, और भी कई तरीके हैं। तो लेकिन बात यहाँ पर ये है कि जितना सटीक और जितना कम स्टेप्स में आप रिएक्शन कंप्लीट करते हो कन्वर्जन को, उतना आपका कन्वर्जन इजी माना जाएगा, सही माना जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, एकदम मतलब कि आपको कॉम्प्लेक्स नहीं करना है, आपको सिंपल रखना है, ठीक है, एक दो तीन स्टेप तक, उससे भी अधिक बढ़ सकता है, ऐसा नहीं है नहीं बढ़ सकता, लेकिन स्टेप थोड़ा सा कम रखना है, ठीक है। बेंजीन इंटू NN डाइमिथाइल एनिलीन, यानी कि बेंजीन से एनिलीन तो बनाना है, लेकिन एनिलीन में इस नाइट्रोजन पर दोनों हाइड्रोजन नहीं रहने चाहिए, मिथाइल होना चाहिए। तो इसका रिएक्शन आपको हॉफमन एमोनोलाइसिस में मिल जाएगा। आप देखे होंगे कि प्राइमरी अमाइन को जब हम लोग मिथाइल क्लोराइड यानी कि कोई अल्काइल हैलाइड से रिएक्शन करवाते हैं, ये प्राइमरी अमाइन है RNH2, ठीक है। यहां पर अगर इसका रिएक्शन हम RCl से करवा दें, तो अल्काइल हैलाइड का ये बॉन्ड कमजोर होता है जो कि इजिली ब्रेक होगा, ये Cl- बनेगा, पार्शियली निगेटिव इस पर आएगा, पार्शियली पॉजिटिव इस पर आएगा, ये अमोनिया में नाइट्रोजन अपना लोन पेयर दे देगा, किसको, आर को इलेक्ट्रॉन दे देगा, जिससे ये आर डैश यहाँ जुड़ जाएगा। तो RNH2 के बगल में यहाँ पर आर डैश जुड़ जाएगा और एन पर चार्ज कैसा आ जाएगा, प्लस, क्योंकि यहाँ पर एन ने इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, और इसी से आयनिक बॉन्ड से कौन जुड़ेगा, Cl-। इसके बाद हम लोग अगले स्टेप में इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रोवाइड करते हैं, जिससे क्या होता है, यहाँ का हाइड्रोजन चूंकि एन पर प्लस चार्ज है, तो एन पर प्लस चार्ज होने के कारण से ये एन इस हाइड्रोजन का बॉन्ड को लेकर के अपना चार्ज मेंटेन कर लेगा, ये बन जाएगा आर, एन अपना फिर से इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, ये आर डैश, अब इसके पास एक ही हाइड्रोजन रहेगा, एक H+ जो यहाँ से निकला वो OH से H2O बन के निकलता है,
यहां से जो एन ए था वो सी एल लेकर के एन ए सी एल बन करके निकल जाता है। यानी कि जब हम लोग एमाइन का रिएक्शन हम लोग अल्काइल हैलाइड से करते हैं तो अमाइन में एक हाइड्रोजन की जगह पर एक रेडिकल यहाँ पर आ जाता है। तो सिंपली है, यहाँ पर हम लोग अगर इस एनिलीन में मिथाइल क्लोराइड से करा दे रिएक्शन तो हाइड्रोजन के बदले मिथाइल जुड़ जाएगा ना, फिर से करा देंगे रिएक्शन फिर से मिथाइल जुड़ जाएगा। तो बड़ा सिंपल यहाँ पर तरीका है, पहले तो ये आपको वहां तक करना ही पड़ेगा क्योंकि बेंजीन से ही स्टार्ट करना है। तो हमारे पास बेंजीन है, फिर वही काम करेंगे हम लोग, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड डालेंगे, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में, तो यहाँ पर बन जाएगा नाइट्रो बेंजीन, नाम भी लिखते जाना है नाइट्रो बेंजीन। नाइट्रो बेंजीन को वही इस बार हम कुछ चेंज कर देते हैं, SN प्लस HCl करा देते हैं यहाँ रिडक्शन, तो यहाँ से हाइड्रोजन प्रोवाइड होगा तो ये रिड्यूसिंग एजेंट बनेगा, यहाँ पर ये इसको कन्वर्ट कर देगा एनिलीन में। आप चाहोगे तो ये जो पहले वाला यूज किया है वो भी यूज कर सकते हो। अब एनिलीन को हम लोग यहाँ पर मिथाइल क्लोराइड से कराएंगे रिएक्शन, तो एक हाइड्रोजन यहाँ से गायब होगा, बदले में मिथाइल जुड़ेगा। हालांकि ये दो स्टेप में होता है लेकिन करना आपको एक ही स्टेप में है, तो यहाँ पर ये बन जाएगा एन मिथाइल एनिलीन। यहाँ पर एन पर एक एस तो रहेगा ही, दूसरे साइड में क्या जुड़ जाएगा, यहाँ पर एन से एक CH3 जुड़ गया। एक हाइड्रोजन और है, फिर से करा देंगे यहाँ पर मिथाइल क्लोराइड से रिएक्शन, तो यहाँ पर अब की बार नदिया के पार, ठीक है, तो अब की बार क्या होगा, यहाँ पर एन से यहाँ भी CH3, एन से यहाँ भी CH3, यही हो गया एन एन डाइमिथाइल एनिलीन, ठीक है। तो ये इतने स्टेप में रिएक्शन हमारा कंप्लीट होगा, सिंपल था आपका। यहाँ पर ये रिएक्शन आप लोग जानते ही होंगे कि प्राइमरी एमीन में अल्काइल हैलाइड डालने पर सेकेंडरी एमीन बनता है, सेकेंडरी एमीन में अल्काइल हैलाइड डालने पर टर्शियरी एमीन बन जाता है, फिर से यहाँ पर अलग अलग डालेंगे, फिर से वही कहानी होगा। तो यहाँ दो स्टेप में होता है, तो यहाँ पर एनएओएच का कहानी नहीं डाले हैं, सिंपल डाल के आपको ऐसे ही काम करना है, अल्काइल हैलाइड से करना है रिएक्शन, अल्काइल ग्रुप को नाइट्रोजन के हाइड्रोजन हटा करके जोड़ते जाना है, ठीक है। अगर वही एन एन डाई इथाइल बोलता तो हम लोग इथाइल क्लोराइड से कराते रिएक्शन, एन एन डाई क्या कहते हैं, एन एन डाई साइक्लोहेक्साइल बोलता तो साइक्लोहेक्सेन से कराते रिएक्शन, एन मिथाइल एन इथाइल बोलता तो हम लोग पहले इथाइल क्लोराइड से कराते रिएक्शन फिर कराते हैं मिथाइल क्लोराइड से, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर देखोगे यहां पर चार कार्बन का चेन है, उधर भी सीएल है इधर भी सीएल है, यानी कि क्या कहते हैं 1,4-डाइक्लोरोब्यूटेन है, ये है कि नहीं है, कन्वर्ट करना है हेक्सेन 1,6-डायमाइन में। बड़ा समस्या वाला बात यहां पर है भाई, यहां पर हमारे पास चार कार्बन है, यहां सीएल है यहां सीएल है, हम लोग को लेकिन 6 कार्बन चाहिए यहाँ पर मेन चेन में, तो कार्बन बढ़ाना पड़ेगा तब अमाइन आपको करना पड़ेगा। तो कार्बन कैसे बढ़ाएं, कार्बन वाला फंक्शनल ग्रुप कौन कौन सा है जिससे कार्बन बढ़ सकता है। हम लोग रिएक्टेंट में जब भी रिएजेंट का यूज करते हैं तो जनरली इनऑर्गेनिक कंपाउंड का यूज करते हैं, तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड में एक ठो अगर सोडियम साइनाइड डाल दें, पोटेशियम साइनाइड डाल दें, तो साइनाइड में क्या होता है, CN ग्रुप होता है। बेनिफिट बतलाते हैं, CN से कार्बन से यहाँ पर कार्बन चेन भी बढ़ जाएगा और उसके पास N रहेगा तो अमाइन में भी कन्वर्ट कर देंगे हम लोग। साइनाइड से आप पढ़े होंगे, साइनाइड को हम लोग रिड्यूस करके अमाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। साइनाइड का C(NN) होता है ना, दो बॉन्ड को तोड़ करके दो हाइड्रोजन लगा देंगे वहां पर, कैसे, तो यहां पर इसका रिएक्शन कराते हैं हम सोडियम साइनाइड से, NaCN से, ये क्लोरीन डिस्प्लेस होकर के सोडियम क्लोराइड बन जाएगा और यहां पर जो है दोनों साइनाइड्स यहां पर आकर के जुड़ जाएंगे। अब ये बन जाएगा इस तरह से, 4 कार्बन तो है ही, यहां CN लग गया, एक CN यहां लग जाएगा, CL को डिस्प्लेस करके क्या बन गया, CN बन गया। आप यहाँ CH2 ऑल 4 लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा हम समझा रहे हैं इसलिए बराबर लिख रहे हैं। अब यहां पर क्या है, साइनाइड ग्रुप को अब देखो 6 कार्बन मिल चुका है चेन में, अब खाली एन को NH2 में कन्वर्ट करना है सिंगल बॉन्ड के साथ। तो आप लोग पढ़े हुए हैं कि जो मल्टीपल बॉन्ड्स होते हैं उसका रिडक्शन हम लोग 10th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं, जब भी मल्टीपल बॉन्ड में पाई बॉन्ड तोड़ करके वहां पर हाइड्रोजन जोड़ना हो तो याद रखिए वहां पर H2 का रिएक्शन यानी कि हाइड्रोजन से रिडक्शन होगा निकेल के प्रेजेंस में हाई टेम्परेचर पर। टेम्परेचर बढ़ा करके निकेल के प्रेजेंस में H2 से करा दो रिएक्शन, तो यहाँ पर क्या होगा, जब ये रिएक्शन यहाँ पर होगा H2 से होगा निकेल के प्रेजेंस में, तो यही एक रिएक्शन है जिससे कि मल्टीपल बॉन्ड टूट करके यहाँ पर जो है यहाँ पर हो जाएगा C C C C C, 3 2 5, एक 6 कार्बन हो गया ना, सिंगल बॉन्ड N रहेगा, N से हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, इधर भी सिंगल बॉन्ड N रहेगा, N से हाइड्रोजन जुड़ जाएगा,
बीच में यहाँ पर सी एच टू सी एच टू सी एच टू सी एच टू सब जगह भर दो, यही है हेक्सेन 1,6-डायामाइन। क्या समझ में आया? यानी पहले हम लोग ये सोचे कि कार्बन कैसे बढ़ाए और नाइट्रोजन भी लाना है क्योंकि हमको अमाइन चाहिए, तो साइनाइड ग्रुप बहुत ही बढ़िया था एकदम, NaCN से करा दी रिएक्शन। यहाँ पर हो गया डिस्प्लेसमेंट, हो गया न्यूक्लियोफाइल का, तो तुरंत यहाँ न्यूक्लियोफाइल हट गया, ये न्यूक्लियोफाइल ये जुड़ गया करके, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये हो गया, SN रिएक्शन, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है ये रिएक्शन हुआ, जैसे CN जुड़ा फिर C(NN) को हम लोग साइनाइड से परवे किए हैं, देख लोगे वहां पर आप लोग अपने बुक में प्रिपरेशन ऑफ अमाइन में तीसरा रिएक्शन साइड जो है ना नाइट्राइल का रिडक्शन से करवाया गया है, तीसरा चौथा रिएक्शन होगा नाइट्राइल के रिडक्शन से आप जो है अमाइन बनाए हो कैसे H2 निकल के प्रेजेंस में। तो आप लोग बेसिक पहले थ्योरी अच्छे से पढ़ लोगे, कन्वर्जन फटाफट बनना शुरू हो जाएगा, समझ में आ गया ना। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्लास समझ में आ गया होगा। ठीक है, पसंद आया हो तो वीडियो लाइक करना है, चैनल पर नया सब्सक्राइब करके जाना, और ऐसे ही क्लासेस के लिए जरूर फॉलो करते रहना। मिलते हैं अगले वीडियो में।